गोवन कपल का फर्स्ट पेमेंट अभी सरिता के हाथ में। वाह, काफी बड़ा अमाउंट देख रहे हो। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इतना पेमेंट आएगा। आज जो विड्रॉ करी है सरिता का फर्स्ट पेमेंट है, तो और अमाउंट भी अच्छा खासा है। मुझे जेलसी हो रहा है। चेहरे पे खुशी तो देखो, क्या हुआ? OMG, कितना आया? इतना मैं सैटरडे था ना मेरा, उससे थ्री टाइम। क्या बात कर रहा है? तो अभी कितना आया है वो घर पे जाके बताएंगे, इधर नहीं बताएंगे, इधर लोग सुन लेंगे, बाद में बताएंगे। घर पे जाके पूरा डिस्कस करेंगे कितना आया है अमाउंट, और ये अमाउंट के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा, कितना मेहनत था, ये आपको जानना जरूरी है। जॉब पे थी सरिता, कोरोना के टाइम पे सरिता को काम पे जाना पड़ता था। उस टाइम पे जिस टाइम लोग घर पे बैठते थे, ये काम पे जाती थी, तो ऐसे काम किए। और जब इसको कोविड हुआ, 15 दिन घर पे रहा, तो इसका ओनर इसके सैलरी कट किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, मोटिवेट तो करेगा। उसके साथ आपको बताऊंगा मैं, इतना पैसा सरिता को इतना जल्दी कैसे आया, मुझे 1.5 साल बाद 8,000 ही क्यों मिला था, इसको 4 महीने में इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, उसके पीछे का कारण ये मैं आगे बताने वाला हूँ। एल्बम ये देखो रेडी हो रही है बैंक में जाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो में आपको जैसे बोला था ना, मेरा पेमेंट आने वाला है, वो ऑलरेडी आ गया है बैंक में, और मुझे ऑलरेडी मैसेज भी आ गया है बैंक का। उसका कुछ प्रोसेस रहेगा, ये देखो पेमेंट इसका रिसीव हो गया है बैंक में, पर इसके अकाउंट में प्रोसेस करने के लिए ना फर्स्ट टाइम बैंक में जाके इनको कंफर्म करना पड़ता है। मुझे करना पड़ा था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम क्या किया था, जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया हुआ था, मैं सोचा ऑटोमेटिक आ जाएगा करके, मैं रुका 2-3 दिन आया नहीं, तो मैं जाके जब बैंक में कंफर्म किया, उसके बाद उन्होंने अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो मैं इसके साथ तो चांस नहीं लेने वाला हूँ। आज फर्स्ट डे है, 23rd है, सुबह सुबह मैसेज आ गया है। तो इसको जाके बैंक में कंफर्म करेंगे और इसका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, और उसको विड्रॉ करके आपको बताएंगे कितना आया है। ये वीडियो में बने रहो, डिटेल में आपको बताने वाली। इसका चेहरे पे खुशी देख रहे हो, फर्स्ट पेमेंट आ रहा है। पार्टी, पहले पेमेंट आने के बाद पार्टी। अभी हम लोग निकल रहे बैंक के लिए, धूप तो है, आज हवा भी नहीं है, तो आज गर्मी लगेगा। डे टाइम में अगर हवा नहीं चलता है ना, तो गर्मी लगता है घर पे। कहाँ गई? चले चलो, रेडी हो जाए जल्दी। स्कार्फ भी निकालूंगा मेरा, मैं गिर के ना गालता हूँ, अभी निकालनी इसको ना, बोलना पड़ता है एक एक। ये बोली हाउ टू वेयर स्कार्फ, आपको दिखा रही है करके। ऐसे वीडियो में आप देखोगे ना, जितना तू डालता है ना, लोगों को आ जाएगा जिसको नहीं आता है। मैं तो काला हूँ, फिर भी मैंने फुल ये शर्ट डाला, मेरा फेवरेट शर्ट। ये मुझे चिल्लाती रहती है, पता है, ये शर्ट तू बार बार डालता है, और वीडियो में ज़्यादातर यही शर्ट होता है करके। ये धूप में काम आता है, फुल स्लीव है ना, इसलिए मैं डालता हूँ। अरे आशा रे पुण, वो मका वट्टा नु जो पसंद है वही डालना चाहिए। हाँ, मुझे ये पसंद है। तो मका बस, हाँ आता कैसा दिखता है। चेस आगे ना गैस गैस, तो बैंक में जाके आ गए। जो रेमिटेंस का प्रोसेस था ना, ये उनको बता दिया, हो जाएगा। एक्चुअली ये अपना ऑनलाइन भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग है तो उससे भी कर सकते हो, पर ब्रांच हमारा बहुत नज़दीक था, घर के पास है HDFC बैंक, तो वहाँ पे आए, कंफर्म कर दिया, आज शाम तक इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। चल अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, इसका बैंक का काम हो गया। ये 2 मिनट के लिए हमको ऐसे कपड़ा वगैरह डाल के आना पड़ा। एक्चुअली अभी हम लोग ना बैंक से आ गए, आके धूप इतना है ना, मुझे धूप के टाइम पर ये पसंद है। मैं शुगर केन जूस पीता हूँ, हम लोग यहाँ पे शुगर केन जूस पीने के लिए रुके हैं, पियेंगे और उसके बाद। लो मैडम, आया आपको स्ट्रॉ डालना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पी रहा, अभी प्लान आज का ना पूरा प्लान हमारा गड़बड़ हो चुका है। मैं आपको बता, आज हमारा प्लान था रेसिपी करेंगे करके, पर रेसिपी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ऑलरेडी लेट हो गया है। हाँ अच्छा लगा। तो फिर जस्ट हम लोग पहुँच गए घर पे, अभी मुझे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, लेट भी हो गया। अरे देखो बॉस्को का, इनका फ्रांसिस का प्लान चल रहा है, देखो जस्ट पहुँचा ने, और ये पार्टी का प्लानिंग कर रहे लोग। देखो कल बॉस्को का बर्थडे है गाइस, पार्टी करेंगे कल हमारा बॉस्को का बर्थडे है, उसका हम पार्टी करेंगे। पार्टी में आप सभी लोगों को वेलकम है,
आ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा विश ये वीडियो के नीचे हैप्पी बर्थडे बॉस्को करके डालना चाहिए। ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना उस दिन बॉस्को का बर्थडे होगा, मतलब ये वीडियो कल जाएगा, कल बॉस्को का बर्थडे है, तो ये वीडियो के नीचे हैप्पी बर्थडे बॉस्को डालो। चलो कमेंट में यस गाइस यो बॉस्को। थैंक यू गाइस। आप लोग ना काफ़ी बढ़िया, दीदी के बर्थडे में भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया था, विश किया था, ऐसे बॉस्को के बर्थडे को भी विश करो। कल हम सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, साथ में आपके साथ भी करेंगे ना सेलिब्रेट, है ना। मैं नहीं आऊँगी। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा घर पे मेहमान भी है तो इसके हिसाब से कैसे क्या एडजस्टमेंट होगा देखेंगे, नहीं तो ब्लॉग मुझे करना पड़ेगा पूरा दिन का। तो ये ब्लॉग कर अकेला ब्लॉग जैसे मैं करती हूँ, अकेले जाते जैसे चल जाएंगे अभी जल्दी खाना बनाना। ये देखो दिखा क्या क्या निकल रहा है, ATM कार्ड। अभी हम लोग ना ATM के लिए रुके। ये फर्स्ट पेमेंट का एक्सपीरियंस बताओ। फर्स्ट एक्सपीरियंस विड्रॉ करने आए हो। आप लोग सोच रहे होंगे ये टोटल पैसा क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, ये इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा चाहिए भी है और थंबनेल भी तो क्रिएट करना है ना अच्छा वाला, ऐसे पकड़ के थोड़ा थंबनेल कर रहे हैं। 2000 का नोट नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा अभी 2000 का नोट ना, एज पर गवर्नमेंट उन्होंने ऑलरेडी ATM में डालना बंद किया है जो सितंबर तक। नहीं नहीं वो मार्केट में है, बैंक ATM में नहीं डाल रहा है। okay, तो इसको 2000 का नोट तो नहीं आएगा, 500 का नोट आने वाला है। तो अभी सरिता जा रही है YouTube के फर्स्ट पेमेंट विड्रॉ करने के लिए। ये जो फीलिंग्स है ना मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा फर्स्ट पेमेंट YouTube से आया था, स्पेशली YouTube से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में रहता है ना YouTube से पेमेंट आता है कि नहीं। जब मेरा पहला पेमेंट आया था ये तो बहुत कम अमाउंट था मेरा, सरिता का तो अच्छा खासा अमाउंट आया है। तो वो जो फर्स्ट पेमेंट जब विड्रॉ करने जाते हो, जब अकाउंट में आ जाता है वो मैसेज ना, उसका एक्सपीरियंस अलग है। तो सरिता का कैसे रिएक्शन रहेगा सरिता का विड्रॉ करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे गई है ATM में, आने दो उसको, आ ही लगता है। विड्रॉ हुआ इसका नहीं हुआ? हुआ हुआ हाँ। कितने माल लेते हैं इसका? जितना भी पेमेंट आया था ना एक साथ इसने विड्रॉ करने के लिए डाला, जो कि लिमिट के ऊपर है, नहीं आएगा। तो इसको 2-3 पार्ट में विड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, दो तीन पार्ट में विड्रॉ करो, मेरे ख्याल से 2-3 पार्ट में तुझे आ जाएगा। तो देखेंगे, अगर नहीं आएगा ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ और उसके बाद विड्रॉ करेंगे। पूरा पैसा तो निकलना है, थंबनेल के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और कोई गया है वहाँ पे ATM में? हाँ मैं जा रहा हूँ। नहीं, फर्स्ट पेमेंट तुझे विड्रॉ करने चाहिए 2 साल पहले। तुझे कैसा लग रहा था ये पॉसिबल ऐसा लग रहा था? मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इतना पेमेंट आएगा। तो पेमेंट आता है करके तुझे लगा था? वो भी पता नहीं था मुझे, नॉर्मल जैसे काम विड्रॉ करना है। एक साल पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 साल से मुझे आना शुरू हुआ है, उसके बाद तो ऑब्वियसली इसको पता चला, पर YouTube में काम करते हुए मुझे 2 साल हो गया। ठीक है, तो 1 साल मैंने ऐसे 0 अमाउंट में काम किया हुआ था, 1 साल बाद हमारा पेमेंट आना स्टार्ट हुआ है। और ये आज जो विड्रॉ करी है सरिता का फर्स्ट पेमेंट है, तो और अमाउंट भी अच्छा खासा है। मुझे जेलसी हो रहा है। अभी चलो चलो अभी चलो अभी फिर से गए विड्रॉ करने के लिए, देखेंगे। आप सरिता विड्रॉ करिए आज इसका फर्स्ट पेमेंट। मुझे बोला था तू जा विड्रॉ करके, बोला नहीं, पहला पेमेंट का जो क्या बोलते उसको एक्साइटमेंट होता है ना वो खुद फील करना चाहिए, स्पेशली ऑनलाइन जब करते हैं ना। ये इसलिए इतना स्पेशल उसको फील हो रहा है क्योंकि देखो हमारा जो आदत है ना, हम लोगों का जो आदत है ये नॉर्मल, हम लोग ऑफलाइन जॉब पे जाते हैं, शॉप में ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से एक सैलरी मिलता है, ये कॉमन है, हम लोग जानते हैं। पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ऑनलाइन से भी पेमेंट हम लोग अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो ये सरिता का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन। इसको 1 साल पहले बिलीव ही नहीं होता था कि हाँ पेमेंट आता है करके ऑनलाइन से भी। जब मेरा आने लगा स्लो स्लो उसको याद आइए, देखो आया आया, देखेंगे। ये देखो चेहरे पे खुशी, चेहरे पे खुशी तो देखो क्या हुआ। OMG कितना आया कितना में सैलरी था ना मेरा उससे 3 टाइम। क्या बात कर रहे हैं, मुझे पहले का काम जॉब का, पहले का जॉब का 3 टाइम ज़्यादा आया है। ये 3-4 बार निकालना पड़ा मुझे, विड्रॉ करना पड़ा। हाँ एक बार से नहीं आ रहा था, इसने पहले ही तो क्या है मिस्टेक किया था जाके ना एक साथ पूरा विड्रॉ अमाउंट डाला था, नहीं आया, नहीं आ रहा था। 3 बार किया मेरे ख्याल से।
तो अभी कितना आया है वो घर पे जाके इधर नहीं बताएंगे, इधर लोग सुन लेंगे, बाद में बताएंगे। घर पे जाके पूरा डिस्कस करेंगे कितना आया है अमाउंट, और ये अमाउंट के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा, कितना मेहनत था, ये आपको जानना जरूरी है। ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं, मैं इसलिए वीडियो स्पेशली इसलिए शूट कर रहा हूँ ना, बहुत सारे हमारे साथ न्यू यूट्यूबर्स जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, लोग जुड़े हैं, काफ़ी सारे मुझे कमेंट आता है, तो मैं सोचा बिल्कुल ये वीडियो बनाया ना, उनको मोटिवेशन मिलेगा, है ना। जैसे मुझे देख के इसको मोटिवेशन मिला था और आज वो सक्सेसफुल ये विड्रॉ कर पाएंगे ATM से। आप भी अगर काम करते हो तो ये वीडियो जस्ट मोटिवेशन के लिए, बाकी ये मत सोचो कि क्यों दिखा रहे करके। आप अगर एज ए मोटिवेशन ले रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं ले रहे हो तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ो। तो ATM से आ गए, अभी सरिता यहाँ पे केक सिलेक्ट करिए वास्को के लिए, कस ले गया था आज दिन ऐसा है ना, सरिता का फर्स्ट पेमेंट और बॉस्को का बर्थडे साथ में, दो दो सेलिब्रेशन। अभी इसमें से कौन सा लेना है, तू क्या चाहिए बोले? हाँ गे गे पहले ओ ये वाला ना, ऊपर से दिखाए ये वाला ले रहे हम लोग ना, हाँ जो भी है दे दो बॉस्को, ये के आपके लिए। सरिता ने लिया है, मैं नहीं ले रहा हूँ, सरिता के साइड से आज का केक, उसका फर्स्ट पेमेंट आया है ना, बॉस्को के लिए केक ले रहा है सरिता। अरे बॉस्को केक उधर आने का है ना, हाँ बॉस्को। Yes guys, ये देखो हमारा पेमेंट हाथ में, मेरा विड्रॉ करके लाया जस्ट। गोवन कपल का फर्स्ट पेमेंट अभी सरिता के हाथ में, वाओ काफी बड़ा अमाउंट देख रहे हो, ये इतना अमाउंट, वाओ बताऊंगा कितना अमाउंट है, काफी आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ये दिखाने का मतलब आपको पहले बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है शो ऑफ कर रहे हो करके, शो ऑफ नहीं है। हमारे साथ ना ये चैनल पे काफ़ी सारे लोग नया नया यूट्यूबर्स है जुड़े हैं, जो लोग काफ़ी उनका क्वेरी रहता है कैसे मोनेटाइज करें, कैसे वीडियो करें, उन लोगों के लिए ये जो ये स्पेसिफिक वीडियो ना थोड़ा मोटिवेशनल टाइप होगा। आप अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हो और ऑनलाइन से अर्निंग करना चाहते हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए है मोटिवेशनल, थोड़ा बहुत आप मोटिवेट हो जाओ, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं लास्ट डेढ़ साल से इसको मैं मोटिवेट कर रहा था कि हाँ इससे भी आप अर्न कर सकते हो, जितना जॉब में कमा रहे हो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट का पैसा इससे भी अर्न कर सकते हो, और अच्छा खासा अर्निंग होता है ऑनलाइन। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका क्या बोलते हैं, इसका एक्सपीरियंस और इसका आज का कैसा था एक्सपीरियंस फर्स्ट पेमेंट का, ये जानेंगे कैसा रहा आज का दिन तेरा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे सुबह मैसेज मिला फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरा मतलब पेमेंट आ चुका है, इसलिए पहले बैंक में गए वो सब प्रोसेस स्टार्ट किया। इसको हाथ में नहीं रखेंगे और दिखेगा ना पैसा, इसको साइड में रख देते हैं और बात करेंगे यहाँ पर रहने दो। और फाइनली बाद में पेमेंट आ गया, हम लोग विड्रॉ भी करके आए, बहुत खुश हुआ। और लास्ट अभी जनवरी से स्टार्ट किया शायद, मेरा तो नॉर्मल सैलरी जैसा था, मेरा नॉर्मली 16,000 था, बहुत अच्छा था सैलरी भी मेरा, मतलब बाइक मोबाइल सब कुछ अच्छा फैसिलिटी था, काम भी मेरा बहुत अच्छा था। पर मुझे फ्रांसिस कब से बोल रहा था मतलब तो ऑनलाइन स्टार्ट कर एक साल से इसके पीछे पड़ा था। मैं बोला था देखो जॉब ठीक है, हम लोगों का जो माइंडसेट होता है ना ये ऑफलाइन माइंडसेट होता है, हम लोग ज़्यादा करके ऑफलाइन, मतलब एक स्टोर पे एक ऑफिस में जाओ काम करो एक महीने, उसका एक पर्टिकुलर सैलरी होता है वो हमको मिलता है, ये हमारा पहले से माइंडसेट था। दो साल पहले मेरा भी ये माइंडसेट था, मैं भी अच्छा खासा 2016 में मेरा लगभग 18,000 का सैलरी था, उसको छोड़ के मैं बहुत सारी चीज़ें किया, उसको भी मैंने बोला एक काम करो आप भी एक चांस लो, देखो रिस्क तो हर चीज़ में है। एक एग्जांपल मुझे पता है, जब जॉब पे थी सरिता, उसके जॉब के टाइम पे कोरोना के टाइम पे सरिता को कोविड हो गया था, 15 दिन घर पे थी, और उस टाइम पे इसका सैलरी कट हुआ था, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। एक्चुअली उस टाइम पे लोग क्या करते थे, आप अगर काम, और ये कोविड के टाइम पे काम पे भी जाती थी, जो पीक कोविड था ना फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे इसको क्योंकि ये पेट शॉप में काम करती थी तो उस टाइम इसको जाना पड़ता था, क्योंकि वो किस में आता है वो पेट शॉप,
इमरजेंसी सर्विस में आता है, तो इसको काम पे जाना पड़ता था। उस टाइम पे जिस टाइम लोग घर पे बैठते थे, ये काम पे जाती थी, क्योंकि ये ऑफलाइन काम कर रही थी, स्टोर में जाके काम करना पड़ता था। तो ऐसे काम किए, और जब इसको कोविड हुआ, 15 दिन घर पे रहा, तो इसका ओनर इसके सैलरी कट किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। उस टाइम मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं था कि मैं उसको डायरेक्ट बोलूँ काम छोड़ो करके, मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था उस टाइम स्लो था, क्योंकि कोविड के टाइम पे हर किसी का बिजनेस डाउन था। उसके बाद मैंने एक क्या बोले उसको, मुझे मैंने ऐसे ही, आप जैसे वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे वीडियो देख के किसी का वीडियो देखा, मोटिवेट हुआ, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया चैनल। मुझे लगा था 1 साल मेरा फर्स्ट पेमेंट आने के लिए ना, मुझे चैनल को मोनिटाइज करने के लिए 1 साल लगा था। और उसके बाद मेरा, मुझे याद है फेब्रुअरी को मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ, और उसके बाद जुलाई में मुझे फर्स्ट पेमेंट आया था। जी हाँ, मुझे 6 महीने लगा था $100 कंप्लीट करने के लिए, इतना स्लो मेरा ग्रोथ था। 1.5 साल के बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, और वो जो अमाउंट था 8,000 रुपया। जी हाँ, और आज सरिता के हाथ में जो आप इतना पैसा दे रहे हो ना, ये आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने ना, हम जब टूर पे गए तो उससे पहले कुछ रेसिपी वीडियो हम डाल के गए थे, उसमें से 4-5 वीडियो बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से तो वायरल वीडियो है, क्योंकि 1 लाख+ उसका व्यू चला गया, जिससे अर्निंग जो है ना सरिता का बहुत अच्छा खासा अमाउंट का अर्निंग हुआ। और बताएंगे अर्निंग आपको टोटल बताऊंगा, पहले आप थोड़ा मोटिवेशन ले लो, और उसके बाद पैसा, तो आप अगर काम कर रहे हो ना, सही दिल से काम कर रहे हो, तो आपको पैसा मिलेगा। जी हाँ, और तो ऐसा था, आप लोग वीडियो को देखे, 2-4 वीडियो हमारा, 4 या 5 वीडियो हमारा वायरल हुआ, उससे अर्निंग बहुत अच्छा खासा आया। और आज जाके सरिता का जो पेमेंट प्रोसेस सारे हम लोगों ने क्लियर किया, और अभी पैसा विड्रॉ करके आए। पैसा एक्चुअली इतना विड्रॉ नहीं करना था हम लोगों को, थंबनेल थोड़ा क्लिक करना था ना आप लोग, नहीं तो वीडियो में कैसे क्लिक करोगे, तो इसकी वजह से हमको विड्रॉ करना पड़ा पैसा। तो ये है, अभी बता देते हैं, वीडियो कंप्लीट, ये ख़त्म नहीं होगा, स्किप करोगे आप अगर क्रिएटर हो, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, मोटिवेट तो करेगा, उसके साथ आपको जानकारी की आपको बताऊंगा मैं, इतना पैसा सरिता को इतना जल्दी कैसे आया, मुझे 1.5 साल बाद 8,000 ही क्यों मिला था, इसको 4 महीने में इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, उसके पीछे का कारण ये मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप नहीं करना है आप अगर ऑनलाइन अर्न करने के लिए सोच रहे हो। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दोनों चैनल में ऑपरेट करता हूँ, तो वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे पता नहीं आज लोग हम लोग कैसे शूट किए, और ये वीडियो मेरे ख्याल से आज का तो पूरा गड़बड़ रहा ही, आज का दिन पूरा गड़बड़ रहा। और अभी जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं ना, अभी हो रहा है टाइम 11 बज रहा है, रात का 11 बजे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके बाद मुझे वीडियो एडिट करना है, और कल आप देखोगे ये वीडियो को, तो मुझे अभी टाइम नहीं है। मेरे दोस्त बॉस्को का भी बर्थडे है, उसका सेलिब्रेशन है, रात को 12 बजे केक कट करेंगे, और उसके बाद मुझे ये वीडियो को एडिट करना है, कल मुझे डालना है, और कल मैं जा रहा हूँ बॉस्को के पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं, आउटिंग करेंगे, तो मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं, पर मैं करूँगा कैसे भी करके, वीडियो एडिट करके डालने वाला हूँ। अब जब देखोगे मेरे ख्याल से आज रात तो मैं सोने वाला नहीं हूँ, ये है। तो अभी बता देते हैं सरिता का पेमेंट कितना आया और कैसे आया, क्यों इतना अमाउंट आया। सरिता का जो फर्स्ट पेमेंट आया है ना, ये 48,000, ये देखो यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, फिर से और एक बार दिखा देता हूँ। ये नया जो यूट्यूबर क्रिएटर जो अभी यूट्यूब ऑनलाइन काम कर रहे हो ना, आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, 48,000 फर्स्ट पेमेंट आया। मैं भी ये पेमेंट रिसीव करने के लिए ना, मैं भी पूरा एक्साइटेड था। क्यों? मेरा जब पेमेंट आया था, जैसे मैंने आपको बताया 8,000 मैंने फर्स्ट पेमेंट किया था, बहुत कम, वो तो बहुत कम, क्योंकि मुझे व्यू बहुत कम आ रहा था। सरिता का पहले ही 3-4 महीने में 4 वीडियो हमारा वायरल गया, जिससे अच्छा खासा अर्निंग हुआ। ये कैसे गया मैं अभी आपको बताता हूँ, और कैसे आप अर्निंग का जो पहला पेमेंट आप कैसे लेते हो, ये डिपेंड करता है ना आपके चैनल के कैटेगरी में, आप कौन से कैटेगरी का चैनल बनाते हो उसके ऊपर। ये सरिता के लिए भी क्या बोलते हैं उसको, सीखने का है, तू भी ध्यान से सुनो। एक्चुअली क्या होता है, इसको भी पता नहीं, तो मैं बता देता हूँ। कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट आता है, अलग अलग कैटेगरी का अलग पेमेंट क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से। ये जो ब्लॉग चैनल है,
ब्लॉग चैनल में हमारा जो वीडियो वायरल हुआ, अगर वही वीडियो मेरे चैनल पे वायरल होता ना, लगभग 80,000 हम अर्न कर सकते थे, पर हमारा ब्लॉग चैनल था जिसके वजह से जो पेमेंट इतना आया है, पर अच्छा अमाउंट है, ये वीडियो वायरल हुआ इसलिए। आपका अगर नॉर्मल वीडियो चल रहा है, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, तो स्टार्टिंग में इसका मुझे पता है, याद है मुझे जब चैनल मोनेटाइज हो गया था, स्टार्टिंग एक दो दिन में ना कितना डॉलर क्रिएट हुआ था बोल? अराउंड 0.75 विच इज एक डॉलर भी नहीं था। एक डॉलर का अमाउंट अभी 82 रुपीस है, तो 75 आप अगर पकड़ोगे तो लगभग 40-50 रुपया, इतना मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, तो एक डॉलर भी नहीं था एक दिन का कमाई। और अभी देख सकते हो 48,000 इसने विड्रॉ किया है। ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ आप लोगों ने वीडियो को देखा। तो ये अभी मैसेज जो है क्रिएटर को मैं बता रहा हूँ, आप अगर ऑनलाइन काम करते हो ना तो आपको क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। दो तीन चीज़ें बहुत मायने रखता है ऑनलाइन में, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है। डिपेंड आपके कौन से कैटेगरीज है, उस कैटेगरी में मार्केट में कितना क्रिएटर है, वो लोग कैसे कौन से पैटर्न में वीडियो डालते हैं, डेली वीडियो डाल रहे हैं, वीक में डाल रहे हैं या फिर वीक में दो डाल रहे हैं, उसी पैटर्न में आपको वीडियो डालना पड़ेगा अगर आपके कंपटीटर मार्केट में है। अगर नहीं है, यूनिक है, तो आप अपना एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। जैसे कंसिस्टेंसी क्या होता है, हम लोग डेली वीडियो डालते हैं, कभी कभार बीच में आधा एक गैप हो जाता है, पर ट्राई करते हैं डेली वीडियो फिक्स टाइम पे डालने के लिए। उससे क्या होता है, आप लोगों से हमारा जो कनेक्शन है ना, ये बिल्ड होकर रहता है। ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये फर्स्ट ग्रो करने के लिए, जल्दी ग्रो होता है और वीडियो वायरल होता है, ये है। सेकेंड, आपको थोड़ा थंबनेल में ध्यान रखना है और SEO प्रॉपर आप करोगे, और ट्रेंडिंग टॉपिक आपको थोड़ा सर्च करना है, कौन सा वीडियो लॉन्ग काम करेगा। ब्लॉग में मैंने देखा है इसके चैनल के साथ, ब्लॉग में क्या हो जाता है, एक जो वीडियो है ना आपका एक दो दिन के लिए चलेगा और उसके बाद बैठ जाता है, तो उसमें क्या करना है, ब्लॉग वीडियो में ना आपको डेली ब्लॉग के साथ थोड़ा ऐसे टॉपिक ढूंढना है जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको अर्निंग देगा और लाइफ टाइम चलेगा। जैसे हमारा हो गया मापसा फिश मार्केट का वीडियो बनाया था, वो लोग मेरे ख्याल से 1.5 लाख क्रॉस कर लिया वो वीडियो। उसके बाद इसका जो रेसिपी वीडियो है वो अभी तक लोग देख रहे हैं, ओएस्टर का वीडियो है। उसके बाद हम लोग काफ़ी सारे फिश मार्केट का वीडियो बनाया, मापसा मार्केट का, ये सारे जो है ना ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आप अगर बना रहे हो, यहाँ लोकल देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका व्यू जो है ना वो एक मेंटेन रहेगा। बाकी उसके साथ आप डेली ब्लॉग डालो, ये मेन की पॉइंट है। और उसके साथ आप कैटेगरी वाइज बिल्कुल पैसा अलग अलग मिलता है। मेरा दूसरे चैनल जो है, आप लोगों को पता रहेगा, मैं काफ़ी बार बात किया, मेरा दूसरे चैनल का जो अर्निंग्स है, ये चैनल से डबल अर्निंग होता है एक्चुअली, क्योंकि वो चैनल इन्फॉर्मेटिव है, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो उसमें जो मेरा जो एड चलता है, मेरे वीडियो में जो एड चलता है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से मुझे रेवेन्यू ज़्यादा। एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख व्यू में, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर मुझे 1 लाख व्यू में 1,000 रुपया मिल रहा है, तो इसको 1 लाख व्यू में 50 रुपया मिलेगा, ये सॉरी 500 रुपया मिलेगा, क्योंकि ये डेली लाइफ ब्लॉग स्टाइल है, गोवन कपल और ये जो स्टेप टू ट्रैवल है ना, ये इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से कैटेगरी मैटर करता है, उसके हिसाब से आपका पेमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये है। तो आप लोग अगर क्रिएटर हो, यहाँ तक देख रहे हो, आपके लिए यही मेरा क्या बोल सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन जैसे ना, इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको एक मोटिवेशन, मोटिवेट करने के लिए ये ट्राई किया ये वीडियो के थ्रू, क्योंकि लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो डाला था ना, फर्स्ट पेमेंट कितना आया, ऐसा एक वीडियो हम लोगों ने किया था ब्लॉग, वो काफ़ी सारे लोगों ने देखा था, उसमें काफ़ी सारे नए क्रिएटर जुड़े थे, उनका बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे वीडियोस डालना है, थंबनेल एडिटिंग कैसे करना है। ऐसे आपका अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट डाउन कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ब्लॉग के दौरान ही आपको बताएंगे, हाँ ऐसे स्पेसिफिक वीडियो नहीं डालेंगे, हमारे चैनल पर ऐसे ही मिलेगा। मैं क्या टाइम भूलने का आदत है, एक काम कर रहा हूँ तो उसमें भेग जाता हूँ, तो इसलिए मैंने अलार्म डाल के रखा है मुझे रिमाइंड करने के लिए टाइम टू टाइम। तो ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से भी एक्चुअली मुझसे भी होता नहीं टाइम को मैनेज करना, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी टाइम मैनेज करने के लिए, काफ़ी सारे काम है। तो ऐसे आपको काम करना है, ट्राई किया आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आप लोग अगर क्रिएटर हो, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, यस अर्न कर सकते हो, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा,
और अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो। एक बार एक स्टेज में पहुंचोगे ना, उसके बाद आपका जो अर्निंग्स है ना, आपको बहुत खुश करेगा। बता, अभी कुछ बोलना चाहता है तो बोल। सो सगळ्यांक पहिला तुमका थँक यू म्हणटा तुमच्या सपोर्टा खातीर। आयज म्हाका पेमेंट जे रिसीव जाल्लो आहा आनी आयज हांव खूब मतलब खूब हॅप्पी हा, कित्याक इतले म्हणजे आता इतले जॉब सोडला तो पर्यंत हांव म्हणजे काम करीत असले कंटिन्युअस आमचे म्हणजे व्हिडिओ तुम्ही पळयता असतले। सो आज इतल्या महिन्याच्या मागीर मॉनिटायज जावन चॅनल आज फायनली पेमेंट रिसीव जाल्लो आहा। सो खूब म्हाका हॅप्पी जाला हांव आनी अशें कितें आनी आयज हांव म्हणजे आतां हांव जे इतले जॉब सोडला तो पर्यंत हांव म्हणजे म्हाजेच कामाक कोणाचे अंडर ना, म्हाका म्हणजे स्पेस टायम दिवंक शकता, हांव म्हाज्या खातीर हांव खंय वचूंक शकता, कितें करूंक शकता। पयलीं कितें हांव जॉबाक आसलें तेन्ना म्हाका म्हणजे हॉलिडेचे बीन मातशें लीव बीन खंय गावपाचें करपाचें प्रॉब्लम जाताले, स्पेशली कितें लास्ट टायम लास्ट इयर फ्रांसीस केल्लो टुराक मनाली स्नोफॉल, सो म्हाका वचपाचें मन आसलें पूण जॉबाच्या खातीर म्हाका हॉलिडेचे प्रॉब्लम जाताले, सो खंय वचूंक बिचूंक गावना थंयच न्हू आनी खंय खंय अशें म्हाका वचूंक गावनासले। सो आतां कितें हांव खंय वचूंक शकता भोंवूंक शकता। अभी रिसंटली हम लोग नॉर्थ इंडिया के टूर के जाके 15 दिन के लिए, तो अभी सरिता फ्री है, अपने लिए काम करी है और सबसे एक प्राउड ही मूवमेंट हो जाता है, प्राउड फील होता है, खुद के लिए काम करते हो, दूसरे के लिए नहीं करते हो। और ऐसे अगर काम करेगा तो मेरे ख्याल से आगे जाएंगे ऑब्वियसली, का मेहनत तो करना पड़ता हर, मैं इसको हमेशा ये मोटिवेट करता हूँ, देखो हर वो काम पे पैसा इज्जत मिलता है, ये क्या है, ये खुद के लिए काम कर रहे हो, पहले हम कर रहे थे दूसरे कंपनी के लिए कर रहे थे, मैं वही बोला था जितना मेहनत हम वहाँ कर रहे थे ना उसका अगर 50% भी यहाँ पे मेहनत करेंगे ना उससे ज़्यादा प्राउड फील होगा क्योंकि खुद के लिए काम कर रहे हैं। ये है बाकी अभी सरिता तो फ्री है, घर पे है, घर पे मतलब खुद के लिए काम कर रहे हो। यस यस ऐसे मतलब अभी फ्री हूँ मतलब काम के लिए फ्री हूँ। हाँ तो कुछ बोलना चाहेगा जो अगर नया क्रिएटर भी कुछ कर रहे हैं? ऑफकोर्स कोई भी अगर करना चाहते तो दिल से काम करना चाहिए, मतलब मैं क्या पहले से मतलब मैं करूँगी करूँगी ऐसे बोल रहा था, फ्रांस मुझे हर टाइम बोल रहा था कर कर एवरी टाइम मुझे, एक साल से मैं इसके पीछे पड़ा था कितना उसको बहुत मोटिवेट कर रहा था मुझे कर ये कर करो, कर करो, होगा करके मैं करता। फ्रांसिस का पेमेंट आया था तब से भी मतलब मैं मतलब सोच रही थी करूंगी करूंगी पर कर नहीं पा रही थी, छोड़ूंगी छोड़ूंगी कि ओ ये नहीं हो रहा, जॉब भी अच्छा था और मुझे मतलब फील नहीं हो रहा था कि जॉब छोड़ के मैं करूंगी, वो रिस्क हम लोग लेने के लिए 50 बार सोच रहे थे क्योंकि इसका जॉब अच्छा था, जॉब भी अच्छा, पेमेंट भी अच्छा था, सारे फैसिलिटीज अच्छा था, तो हम लोग सोच रहे थे इसका जॉब छोड़ेंगे तो रिस्क हो जाएगा, जो डिसीजन होगा सही होगा या नहीं, ये बहुत सारे हम लोगों का दिमाग में चल रहा था, इसकी वजह से डिले करते करते फाइनली इसने डिसाइड किया छोड़ो नया साल से काम छोड़ो और जान झुका देंगे और किया, एक इसने रिस्क लिया, रिस्क लिया, रिस्क का फिर फल क्या बोलते हो मीठा हुआ, मीठा हुआ। हाँ, अच्छा था, अच्छा था और आगे भी रहेगा, आगे भी आपको अगर आप कमेंट करोगे ना अगले एक दो पेमेंट के कितना आ रहा है कैसे चल रहा है वो भी बताएंगे। अभी तो यूट्यूब में हर कोई अपना अर्निंग्स वगैरह दिखाता है तो अभी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, तो अभी आपके साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पहले ये नहीं था, पहले आप अपना अर्निंग वगैरह नहीं दिखा सकते थे, गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह आता था, अभी तो सारे लोग दिखाते हैं तो अभी आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये ऐसा जो वीडियो रहेगा ना अर्निंग्स हो गया है फिर यूट्यूब रिलेटेड, ये आप लोग एज ए गाइड एज ए मोटिवेशन ये लेना है, आप लोग अगर ऑफलाइन में हो ऑनलाइन से आपका कोई भी रिलेटेड नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, जो क्रिएटर ऑनलाइन कुछ करना चाहते ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल करना चाहते हो, मोटिवेट होके सही तरीके से सही रूल्स के साथ आप काम कीजिएगा अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब से पैसा मिलता है, पैसा फेसबुक में भी मिलता है, इंस्टाग्राम भी देता है, ट्विटर से भी मिलता है, यूट्यूब तो देता ही है, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, उसके बाद फ्रीलांसिंग कर सकते, बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस है और अर्निंग सोर्स है ना बहुत बहुत ज़्यादा अर्निंग सोर्स खुल जाता है। एक ये तो एडसेंस का पेमेंट ये सरिता को आया, इसके बाद ना स्पॉन्सरशिप मिलता है और उसके बाद आपको एफिलिएट करने का ऑप्शन मिलता है। आप जो मेरा टूर देखोगे मेरा दूसरे चैनल आप अगर चेक करोगे तो ज़्यादातर जो मेरा वीडियोस होता है ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो होता है, जो कंपनी है मुझे वहाँ पे बुलाते हैं उसका पेमेंट मुझे मिलता है, मैं उनको ये करता हूँ प्रोमोट करता हूँ, और मेरा जो नॉर्थ इंडिया का टूर भी आप अगर देखोगे वो वीडियो भी स्पॉन्सर्ड था,
ठीक है। सो ऐसे आपके पास ऑप्शन आता है, आपको कंपनी रीच आउट करते हैं, आपको पेमेंट करते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं और बोलेंगे आप ये प्लेस में जाओ मेरे लिए वीडियो बनाओ करके। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है। जितना एडसेंस का अकाउंट अमाउंट आता है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट से अर्न कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है। ये था आज का वीडियो ब्लॉग, दोनों मिक्स कर दिया, पूरा दिन का ब्लॉग आप लोगों ने देखा और उसके बाद ये वीडियो देखा। यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट के वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे और रात को 11:30-11 बजे शूट कर रहे हैं ना। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम ट्राई करेंगे ऐसे नया नया ब्लॉग, नए नए वीडियोस, रेसिपी वीडियो और बीच बीच में ऐसे आपको छोटा मोटा आपको मोटिवेट करने के लिए और क्या बोलते हैं उसको, गाइड करने के लिए ट्राई करेंगे ऑनलाइन रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना, देखो ये शेयर करने से मुझे हैप्पी क्यों हूँ, एक तो आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, एक मेरे लेफ्ट में जो मेरे जानू बैठी है इसको मैं गाइड कर पाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से हम लोग इतना जल्दी ये ग्रो कर रहे, अच्छा ग्रो कर रहे, अच्छा अर्न भी कर पा रहे, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ। इसको भी गाइड करूँ और उसके साथ आपको भी गाइड करूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, पसंद आया है वीडियो के कौन से पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, ये वीडियो से आपको अगर कुछ मोटिवेशन मिला या फिर जो भी आपको फील हुआ कमेंट करके बता दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले ब्लॉग वीडियो जो भी होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मनना, गुड नाइट मनोंगे यानी आज रात चला, हां हां रात हुआ ना तो गुड नाइट, हैप्पी हैप्पी। ऐसा लगाने वैसा बराबर होता यहां पे, 1 मिनट 2 मिनट का चक्कर चल रहा है, ये ऐसा मत रखो। बर्थडे बॉय बैठा है अभी, हमारे सारे मेहमान यहाँ पे, मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रिमोट किधर है? चेन्नई जीत गया, ये अभी नेक्स्ट है मुंबई और चेन्नई, ये मुंबई है, हम चेन्नई है, हम चेन्नई, इसलिए ये आज येलो पहन के आया है, चेन्नई चेन्नई, यस इधर मुंबई बैठे ये लोग, ये देखो मुंबई, इधर देखो तीन मुंबई बैठे, तीन इधर से सीएसके, मुंबई ने वो किया उधर। चलो चलो हुआ बारा हुआ, हुआ। ए, चलो शुरू करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो चल रहे सिद्धार्थ एल्बम चलो चलो